हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक ऐसे डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम किसी भी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी से इंग्लिश भी कर सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी भी कर सकते हैं। आप कहीं भी हैं, कोई भी काम है, आप जैसे आपको कोई टफ वर्ड्स मीनिंग लगता है तो आप उसको इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च मारना होगा हिंग खोज डिक्शनरी। यहाँ पे आ गया, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मेरा अपडेट करने के लिए मांग रहा है, मेरा पहले से डाउनलोड है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास पहले से यहाँ पर डाउनलोड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। वन सेकेंड, फिर से ओपन कर देता हूँ, री ओपन। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे तो यहाँ पे सर्च वर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पे तो सर्च वर्ड में आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जैसे आपको इंग्लिश से किसी का हिंदी चाहिए तो यहाँ पे इंग्लिश आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एप्पल का चाहिए, AAPPLE एप्पल मैंने लिख दिया। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग मुझे चाहिए तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग आ गया मेरा, सेव सेफल आ गया। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप है, जिसका मतलब इसमें आपको मैक्सिमम वर्ड्स मीनिंग के स्पेलिंग मिल जाएंगे। इसमें मैक्सिमम वर्ड के आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये डिक्शनरी बहुत ही बेस्ट है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मोबाइल में ये चीज़ होना चाहिए। जैसे और कोई एक दो ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान के चलिए पपाया, पपाया ले लेते हैं। पपाया में इस पपीता हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रहा इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई हिंदी वर्ड्स में हिंदी में लिखा हुआ उसका इंग्लिश जानना है तो उसको कैसे इसमें सर्च करेंगे, तो इसमें सर्च करने के लिए उसको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को हिंदी मीडियम में करना होगा। ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड को हिंदी मीडियम में कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप कर देना है जो चीज़ क्या चाहिए। जैसे मुझे आना, आना का चाहिए यहाँ पे, आना का मैं यहाँ पे बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आना का सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया सेलेक्ट, और इसको स्कैन करता हूँ। एसन करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा आ गया, कम कम आ गया। यहाँ पे कम इसका होता है आना, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ जाएंगे। जैसे और किसी का चाहिए, जैसे जाना, जाना यहाँ पे हो गया, जाना का सर्च कर लेते हैं। गो गो में जाना, जैसे जिसके जितने सिमिलर वर्ड हैं, जैसे वर्ब भी आ जाएगा आपका, एडजेक्टिव भी आ जाएगा, नाउन भी देता है। ठीक है, तो इसके जितने सिमिलर वर्ड है वो भी आ जाएंगे, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जाना का हो गया, गो यहाँ पे। तो आपने सीखा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे ढूंढना और हिंदी से इंग्लिश कैसे ढूंढना है। ठीक है, और एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान। जैसे यहाँ पे आ गए आप, अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे जो माइक है अपने मोबाइल का नेट ऑन कर लीजिए। माइक पे यहाँ पे प्रेस करके जैसे ही कीजिएगा, ये मेरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें अपना माइक को प्लग किया, इसलिए मेरा ये काम नहीं कर रहा है। आप नेट को ऑन करके इस पर प्रेस करेंगे और बोलेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट हो जाएगा, किसी भी स्पेलिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो बोलेंगे वो राइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और एक इसमें बेहतरीन फीचर मुझे लगता है, जैसे आप किसी नोबेल वगैरह किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स मीनिंग ऐसे आते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ही दिक्कत होता है। उसको सुधारने के लिए, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा टूल पे, थर्ड नंबर पे आने के लिए। यहाँ पे आपको देखिए प्रोनाउंसिएशन दिया है, यहाँ पे चेक स्पेलिंग दिया है, वर्ड स्कैनर पे दिया है। तो आपको किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन जानना है तो इसमें जाना होगा आपको। जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना होगा उस चीज़ को, अगर एप्पल ही कर लेते हैं। ठीक है, एप्पल ही कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए तीन मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे, इंडियन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है। आपको जो लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन सुनना है आप सुन सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऐप है एक स्टूडेंट के लिए। तो मुझे इंडियन लैंग्वेज में चाहिए तो यहाँ पे इंडियन पे सेलेक्ट करेंगे तो ये खुद बोलेगा। आप यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये बोलेगा एप्पल। इंडियन में लोग इसको एप्पल को कैसे बोलते हैं, इसको ब्रिटिश में कैसे बोलते हैं, अमेरिकन में कैसे बोलते हैं, ये तीनों लैंग्वेज में आपको बोल कर दिखाएगा। जो लैंग्वेज आपको चाहिए आप यहाँ से सुन सकते हैं और उसका रियल प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दोनों कुछ अलग तरीके से बोलते हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक डिक्शनरी को यूज करना सीखा कि कैसे हिंदी से इंग्लिश ढूंढे और इंग्लिश से हिंदी ढूंढे। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ज्ञान से रिलेटेड इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।